Let's see another small question on change in equity, how the adjustments are going to take place. Group statement of change in equity. आप कहेंगे ग्रुप तो पहले से भाई ये ओपनिंग में है, पता नहीं कब से ये कंपनी जो है ना होल्ड किए हुए है, तो ये ओपनिंग में है. पेरेंट और सन, पेरेंट और सन क्लियरली होल्डिंग एंड सब्सिडियरी. ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डिविडेंड. सिमिलर क्वेश्चन है इस. अच्छा एडजस्टमेंट में देखें अगर कोई एडजस्टमेंट इसमें है. यस अगेन पेरेंट एक्वायर्ड 70% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ सन ऑन 1st January. एग्जैक्टली द सिमिलर क्वेश्चन है. वेन सन्स टोटल इक्विटी इज 48.2 मिलियन and the first dividend son was paid since acquisition is amount to 4 million. And exactly same hai, shown in the summarized statement above. The profit for the period is this. So again, aap profit mein se work out kar lenge ki pre ka portion kitna hai. In parent's summarized statement of change in equity and does not include its share of dividend paid by son. So basically, ek kisam ka replica hai, ye bhi pichle ka hi saath hai. रिक्वायरमेंट सिंपल है कि प्रिपेयर समराइज्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड पेरेंट्स ग्रुप ऑफ द कंपनी. तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सेम क्वेश्चन ही है. तो देखिए ज़रा ग्रुप किसे वो ओपनिंग का बैलेंस निकाला वर्किंग में है, प्रॉफिट निकाला वो वर्किंग में है, नॉन कंट्रोलिंग निकाला, और इसी तरह डिविडेंड जो है वो उसका पोर्शन जो है वो वहाँ पर नजर आएगा. देखें इसकी वर्किंग देख लें. ओपनिंग बैलेंस, पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस ऑफ सन और 70% आपने लें, 85 टोटल है, उसमें से प्री निकाल दें उसका 70%. और पेरेंट का प्रॉफिट जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसमें 7, और NIC का जो 85 है उसी का 30% स्टेट अवे. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. लेकिन फिर रिपीट कर दूं कि जो डिविडेंड की बात है वो हम अलग से दिखाएंगे. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया था कि देखिए उसमें से 30% कितनी फिगर है उसकी, देखें डिविडेंड की 4000. तो इसका 30% अलग से दिखाना पड़ेगा ये आपके अकाउंट्स में. तो ये सिंपली स्टेट क्वेश्चन है और वो पहले की तरह का ही है. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाना मकसद ये है इस क्वेश्चन में मेरा, कि कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप अकाउंट्स में भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी बनती है. और जैसे मैंने कहा है कि अगर आपने ज़रा इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो कोई भी ग्रुप कंपनीज के अकाउंट उठाएँ और उसमें ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी. और उसमें देखिएगा कि क्या क्या एडिशन है. मैं एक पढ़ रहा था, तकरीबन 8-9 आई कॉलम्स हैं कि ये शेयर कैपिटल का है, ये प्रीमियम का है, ये रीजनल प्रॉफिट का है, रिवैल्यूएशन का है, ये OCI का है, सो और NIC का है, लॉट ऑफ थिंग्स. और फिर टोटल रिकन्सिलेशन मस्ट है. तो ये आप अगर मिल जाए कहीं से, वैसे तो नेट पर अवेलेबल हैं अभी ये सारी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको ज़रूर स्टडी करें ताकि आपको आइडिया तो हो ना. एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी आई एम श्योर, लेकिन आने तो चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना कि ये भी एक स्टेटमेंट है. थैंक यू वेरी मच.